तो हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, बढ़िया, मजा? तो हम भी ठीक ही ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं 10:30 से, और पीछे आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। तो अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट इससे सब हो चुका है, अब मुझे बनाना है लंच। तो लंच में क्या बनेगा क्या नहीं अभी तो नहीं पता, लेकिन इतना है कि चावल और दाल तो पक्का बनेगा ही। तो चावल दाल तब तक बनाएंगे, सब्जी में क्या आएगा सब्जी वो भी पता नहीं है। तो यहाँ मैं और मम्मी दोनों का खाना हो गया, लेकिन बना था साग। और साग कैसा लगा मम्मी? खराब। तो साग बना, साग अच्छा नहीं लगा, तो मुँह खराब हो चुका है खाना उना खा के। खाना टेस्टी नहीं लगा, लेकिन टेस्टी टेस्टी खाने का मन है, लेकिन टेस्टी खाना ही नहीं मिला हमें। तो आज साग साग में अजीब तरह का स्मेल आ रहा था। तो ये कंचन को आप तो जानते हैं कि हाँ ये कंचन है। रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आज इसके पास एक 7 क्लास का बच्चा आया, बोल रहा है दीदी आपकी दीदी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करती है ना, मैं देखा हूँ आपको भी देखा हूँ। बेचारी का रोज स्कूल में कोई ना कोई मिल ही जा रहा है। ये पॉपुलर हो चाहे ना, लेकिन मैं पॉपुलर हो रही हूँ स्कूल, वो भी उस स्कूल में। ऐसे तो अपना क्लास भर में है ही, लेकिन अब पूरा स्कूल में हो रही है। और नहीं तो इसके सर लोग भी इसे बैंड बजा दे रहे हैं। बहुत 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 बुरी है, बहुत बुरी है। तो अभी हम चल रहे हैं कहीं घूमी घूमी करने, और आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं ले जा रही है, बहुत बुरी है ना। इसको बोले, बहुत ज्यादा बुरी इसको है। बोले कि चलो तुम, एक बार भी नहीं बोली है इसको, बोले चलो तुम ही तो नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो देखिए किसको लेकर जा रहे हैं। मैंने तो पूछा कहाँ जाना है, तो लेकिन इसने बताया ही नहीं, तो मैंने भी छोड़ दिया। बताएंगे क्यों, सरप्राइज देंगे बस। तो हम कहाँ आ चुके हैं, एकदम पीछे आप लोग देख रहे हैं क्या है, इधर केला, उधर वो क्या का पेड़ है, टोको पत्ता है शायद, तामूल सब। और यहाँ पे स्पेशल चीज इसलिए ही हम आए हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए टन टन, ये क्या लगा हुआ है, ये आज लगा हुआ है भाटी। तो यहाँ पे लगा हुआ है भाटी, आवा, जो भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर है, तो उधर चले जाते हैं, इसके अंदर है ये जितना मिट्टी का सामान जो बना होता है ना कच्चा वाला, वो सब यहाँ पक रहा है। और ये भी लग चुका है, और इसे माटी पुआल और ये जो टूटा उटा होता है उसे तोप उप के और अच्छा से माटी से लिप दिया गया है, लिप लेवा दिया गया है। तो यहाँ पे पक रहा है, ये पकते पकते रात के आज 10-11 बजने वाला है यहाँ पे, लेकिन हम नहीं चाचा पका रहे हैं। यहाँ से जो धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं ना, ऐसे तो पूरा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जल रहा है अंदर, वही उसके धुआं निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। और कहाँ से जल रहा है वो भी दिखा रहा है, जल रहा है यहाँ से। यहाँ से धीरे 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 आँच जो है लग रहा है, वो ऐसे ही आँच लगभग ये शायद 6-7 घंटा तक इसको गर्म करने के लिए लगेगा, 6-7 घंटा तक ये वो वहाँ से जलेगा जलेगा। और ये यहाँ पे जो जितना अंदर इसके सामान है वो सब गर्म होंगे, उसके बाद वो आँच जो है उससे पूरा तेज कर दिया जाएगा, तेज मैंने पूरा अंदर से। तब ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा रेड में जल के हो जाएगा, फिर ठंडा होते होते सुबह हो जाएगा तब सुबह। तो ये यहाँ से सामान पैक है, सुबह मैंने वो पक जाएगा ना, तो
जो मिट्टी भी है वो फट जाएगा। अब मिट्टी फट जाएगा तो सामान निकल जाएगा, तो निकलने कर फिर बाहर रखा जाएगा। तो ये आवा भी आज लगभग छठ पूजा में लास्ट आवा लगा था, उसके बाद आज लग रहा है। आप लोग आगे देख ही सकते हैं वहाँ पे कितना खाली पड़ा हुआ है। और इसके अंदर है तंदूर, दो पीस तंदूर, तो दिखाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये आवा फाटी किस तरह से लगता है, किस तरह इसका पूरा प्रोसेस होता है सुबह से लेके शाम तक, दोपहर तक, या एक दिन पहले से, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में, तब नेक्स्ट जब आवा लगेगा तो वीडियो बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूरी बताइएगा ये किस तरह पकता है, तो हम फुल वीडियो बनाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अभी का जो जब जलता है ना, और जो धुआं का देख सकते हैं, धुआं जो आ रहा है, वो धुआं का जो सेंट आता है ना, जैसे बारिश गिरने से जो पहला धूल में जब बारिश पड़ता है तो पहला जो सेंट आता है उसी तरह का, बड़ा ये जो सेंट है ना बड़ा अच्छा लगता है। और फिर सुबह इसे खाली करके अंदर सब सामान जाएगा, फिर कुछ सामान वहाँ जाएगा, कुछ सामान दुकान पे पैकारी के पास जाएगा, होलसेल दुकान में जाएगा, कुछ घर पे जाएगा, कुछ यहाँ पे रहेगा। और इस तरह जल्दी 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 ले, अभी ये आज 1 बजे से लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 अभी लगभग इसका 3 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक ये गर्म नहीं हुआ है। तो और यहीं पे माटी बना हुआ था वो लिखने के लिए ऊपर, बहुत ही परेशानी वाला चीज़ है। लेकिन ये पहले सारा सामान बनाओ, फिर एक एक करके लगाओ कि फूटे ना कोई सामान, फिर ऐसा करके पकाओ कि उसमें भी अंदर ना फूटे, लाहे लाहे मैंने धीरे धीरे धीरे, उसके बाद फिर निकालो, तब एक बार पक जाए अच्छा से ना तब अच्छा लगता है। यही कहीं काला हो जाता है कुछ सामान, धुआं के धुआं से, ज़्यादा धुआं हो जाने से काला भी हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, मन दुखी हो जाता है आवा ख़राब हो जाने से। तो बताइएगा कैसा लगा ये, थोड़ा दिखाए, जब लग चुका है कैसे जल रहा है वो दिखाए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा वीडियो हम बनाएंगे। तो हाँ जी, आप लोग ने आवा देखा ना भाटी, और हम आए हुए हैं यहाँ पे, मैंने चाची के घर पे, आंटी के घर पे, चाचा के घर पे, तो यहीं पे काम होता है, तो यहीं पे भाटी लगा हुआ था, तो इसलिए आए तो थोड़ा ब्लॉग बना दिए। अभी 5 नहीं 6 बजने वाला है। तो हाँ जी, कैसे हैं, ठीक है? तो हम वीडियो को एंड करें ना, क्योंकि रात के 10:30 जो हो चुका है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो अपलोड करते नहीं है, तो हम भी नहीं बोलेंगे, छोड़िए नहीं करते हैं, तो कितना बोल बोल कर थक ही जाते हैं, तो नहीं कीजिए। और लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि भाटी कैसा लगा, अगर भाटी का फुल वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, मिट्टी का सामान का जो भाटी लगा हुआ है। और क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये वीडियो को पूरा फैला दीजिए, और हम चले सोने। तो आप लोग को गुड नाइट, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इधर मम्मी भी आ चुकी है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बस इतना ही। तो मिलते हैं कल, मम्मी बाय बाय बोल दे, बस।